बहुत बड़ा इवेंट और जिसको मैंने और हनीमा ने अटेंड किया इस पर ये स्पेशल ब्लॉग भी मैं लेकर आऊँगा लेकिन आप देख रहे हैं कि ये पूरा पार्किंग लॉट गाड़ियों से भरा हुआ था पूरा स्टेडियम अंदर लोगों से भरा हुआ था तो बहुत ही बढ़िया बहुत ही बड़ा इवेंट और प्राइम मिनिस्टर मोदी हर साल अमरीका आलमोस्ट आते हैं और इस तरह के ही बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं तो मेरा ये ख्याल है कि इस पर जो मैं बाकी बातचीत है वो स्टूडियो में था न्यूयॉर्क में मोदी एंड आस मैं उसको मोदी एंड यू भी कहूँगा क्योंकि जिस तरह ये बड़ा कार्यक्रम न्यूयॉर्क में भारतीय डायस्पोरा की लीडरशिप ने किया उनको जितना भी खराज तहसीन पेश किया जाए कम है बहुत बड़ा इवेंट था और मोदी एंड आस के लिए भारत की जो अमेरिका में ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो इकट्ठी हुई और उन्होंने इस इवेंट को किया और बड़ी एक्साइटमेंट थी सिर्फ एक्साइटमेंट की बात नहीं ये भी हमें पता चलता है कि जो हमारे भारतीय अमेरिकन हैं वो कितने मेच्योर हैं कितने ऑर्गेनाइज्ड हैं कितने वेल इंटेग्रेटेड हैं सिमिलेटेड हैं और इसके साथ साथ वो भारतीय ऑप्टिक्स को किस तरह अमेरिका में इस्टेबलिश कर रहे हैं ये सब कुछ हम कनाडा में भी देखते हैं और यूरोप में भी देखते हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जहाँ कहीं भी जाते हैं भारतीय डाइस्पोरा इसी तरह से बड़े बड़े कार्यक्रम करता है और ये है मेरे आज के व्लॉग का ख़ास तौर पर टेक के जो भारतीय सिविलाइजेशन है मैं उसको दुनिया की दूसरी बड़ी पैरेलल सिविलाइजेशन कहता हूँ मुझे ख़ुद भारतीय होने पे गर्व है इसके साथ साथ भारतीय इकॉनमी अपने तो वो पाँचवीं बड़ी है मगर वो भी दुनिया की पैरल तीसरी इकॉनमी ऑलमोस्ट बन चुकी है थ्योरेटिकली वो बन जाएगी आगे जाकर कुछ सालों में तीसरी मगर मेरी नज़र में वो इस वक्त तीसरी है कैसे वो भी मैं आगे जा बात करूंगा और भारत दुनिया की वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ साथ पैरेलल दूसरी बड़ी सुपर पावर है सुपर पावर सिर्फ असला होना या पैसा होना ही नहीं है ऑप्टिक्स हैं दुनिया में आपको किस तरह देखा जाता है किस तरह जाना जाता है वो है सुपर पावर की एक डेफिनेशन उस पर भी मैं आगे जाके बात करूँगा और ये है आज मेरे व्लॉग का ख़ास तौर पर टेक इससे पहले कि मैं सारी बातें आपके लिए खोलूं, आपसे मैं विनती करूंगा कि आप मेरे YouTube के चैनल स्टैग टैग टी के चैनल को भी और मेरे पर्सनल चैनल ताहिर गोरा के चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए अब मैं वो सब बातें करूंगा जो मैं पीछे परिचय के तौर पर आपके सामने पेश कर रहा था कैसे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने प्रिसाइजली हम भारतीयों का दुनिया में इमेज इस लेवल तक पहुंचा दिया है कि अब मेरी निगाह में ना सिर्फ हम दूसरी बड़ी पैरल सिविलाइजेशन है वेस्टर्न वर्ल्ड की सिविलाइजेशन के बाद बल्कि दूसरी बड़ी सुपर पावर भी हैं ये जो सुपर पावर की मैं बात कर रहा हूँ उस पर कई भारतीय भी मुझसे शायद एग्री नहीं करेंगे लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कैसे मैं सारे अमल को देखता हूँ ये मैं आगे जाके आपको एक्सप्लेन करूंगा इससे पहले कि मैं ये सारी बातें आप तक पेश करूं मैं चाहूंगा कि मोदी एंड अस इवेंट की कुछ झलकियां भी मैं आपको दिखाऊं कि कैसे ये इवेंट सिर्फ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का ही इवेंट नहीं था बल्कि ये एक बहुत बड़ा कल्चरल इवेंट भी था मौसीकी का डांस का बहुत बड़ा इवेंट था मैं एक वीडियो क्लिप आपके साथ शेयर करना चाहता हूं अंदर स्टेडियम में जो कुछ हमने देखा वो आप इस वीडियो क्लिप में देखेंगे आपको इस कार्यक्रम में जो कुछ कल्चरल एग्जीबिशन थी जो म्यूजिक का वहाँ पे अमल था वो हमने एक अपने स्टूडियो की म्यूज़िक की लेयर लगा के थोड़ा सा झलकियों की सूरत में दिखाया क्योंकि हम कॉपीराइट के सिलसिला में ऐसा नहीं चाहते थे कि ये वीडियो आप तक पहुँच ही ना सके बहरहाल ये वो स्पिरिट थी जो भारत के इस बड़े इवेंट के लिए जहां मोदी जी आए भारतीय डायस्पोरा ने इतना बड़ा इवेंट मोदी एंड अस के नाम से किया ये वो कुछ झलकियाँ थीं जो मैं आपको अपने व्लॉग में भी दिखाना चाहता था अगर अगरचे आपने बहुत सारी झलकियाँ ऑलरेडी यूट्यूब पे और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के अपने चैनल पे देखी होंगी मगर मैं अपनी ओपिनियन के साथ ये सब कुछ आपके लिए पेश करना चाहता था इसलिए मैं ये पेश कर रहा हूँ प्राइम मिनिस्टर मोदी पहुँचे इस स्टेडियम के अंदर जहाँ पंद्रह के करीब लोग मौजूद थे और उनका स्वागत जिस तरह हुआ उसकी भी मैं चाहता हूं कि एक झलक आप तक पहुंचाऊं Please be seated and we will soon be with the Prime Minister. इतनी दूर दूर से आए तो आपने वो मंजर देखा जिसके मुताबिक प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी न्यूयॉर्क में लॉन्ग आइलैंड के इलाके में नासा कल्यूजियम मेमोरियल स्टेडियम के अंदर पहुंचे और पंद्रह हजार लोगों ने उनका स्वागत किया आने को तो यहाँ पर शायद एक लाख से ज्यादा लोग भी आ सकते थे मगर इस स्टेडियम की कैपेसिटी ही इतनी थी और ऑर्गेनाइज़र्स ने बहुत ही बढ़िया ढंग के साथ जिस तरह ऑर्गेनाइज़ किया उसमें भारत के प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर पहुँचे पहली बार नहीं है कि अमेरिका में उन्होंने भारतीय डायस्पोरा से बातचीत की हो मुलाकात की हो आ, कई मुलाकातें उनकी गुज्त दस सालों में हो चुकी हैं इस तरह के ढंग के साथ इस तरह के अंदाज़ के साथ और इस बार जैसा कि आपने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के पूरे अमेरिका यात्रा की रिपोर्ट्स पढ़ी हों तो आपको अंदाज़ा होगा कि उन रिपोर्ट्स के मुताबिक बहुत बड़े बड़े एग्रीमेंट्स हुए हैं भारत और अमेरिका के बीच भारत और अमेरिका के बीच जो रिश्ते हैं वो और गहरे हुए हैं वो और आगे को बढ़ेंगे और इस सरसा में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने डायस्पोरा से बातें करते हुए खुल के इसको एक्सप्लेन किया वो सब कुछ आपने टेलीविजन पे ऑलरेडी देखा होगा कुछ मैं भी आपको इस व्लाग में दिखाना चाहूँगा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने डायस्पोरा को बहुत खराज तहसीन पेश किया उन्होंने कहा कि ये जो डायस्पोरा है भारतीय अमेरिकन ये उन्होंने यहाँ तक कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई की जो टर्मिनोलॉजी है उससे मैं ये भी मुराद लेता हूँ अमेरिकन इंडियंस और ये भी एक नया जो उन्होंने एस्पेक्ट पेश किया इसको भी दुनिया के मीडिया ने बहुत हाईलाइट किया मैंने भी उस वक्त स्टेडियम के अंदर बैठे बैठे तुरंत उसी वक्त जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ये कह रहे थे इस बात का एक क्लिप भी ट्वीट किया था और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को कोट भी किया था अब भारत और अमरीका के जो रिश्ते हैं वो अपनी ऊंचाइयों को छू रहे हैं और उन ऊंचाइयों के साथ साथ कई हिकअप्स भी हैं और वो हेकअप्स भी चलते रहेंगे जो सुपर पावर्स होती हैं चूँकि अमेरिका इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर है उसकी यही कोशिश होती है कि दूसरी सुपर पावर्स जैसे चाइना है भारत है किसी हद तक रशिया भी है और भी अब रीजनल ग्रुप्स बन रहे हैं ब्लॉक्स बन रहे हैं तो अमेरिका उनसे तल्लक अच्छे भी रखता है और जिनके साथ अच्छे नहीं रखने होते जैसे चाइना और रशिया उनके साथ अच्छे नहीं भी रखता और साथ साथ जिनके साथ तलक अच्छे रखता है उनको कुछ न कुछ शॉकिंग जर्क्स भी देता रहता है ये अमेरिका का एक तरीका है भारत कैसे दूसरी बड़ी सुपर पावर है ये बात तो मैं थोड़ा आगे चल कर करूँगा लेकिन इससे पहले मैं प्राइम मिनिस्टर नरिंद्रा मोदी का डायस्पोरा को जो उन्होंने खराज तहसीन पेश किया किन लफ्ज़ों में पेश किया और फिर उन्होंने बताया कि किस किस तरह उन्होंने किन किन सालों में अपने प्राइम मिनिस्टरशिप के दौरान अमेरिका में डायस्पोरा से मुलाकातें की उसकी भी एक टाइमलाइन उन्होंने पेश की और फिर उन्होंने बताया कि जब वो प्राइम मिनिस्टर भी नहीं थे चीफ मिनिस्टर भी नहीं थे तब वो एक आम आदमी के तौर पर अमरीका की ट्वेंटी स्टेट्स फिर चुके थे इतनी स्टेट्स तो शायद खुद अमरीकीियों ने भी बहुत सारे अमरीकीियों ने भी ना फिरी हुई हूँ तो भारत प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इस हवाले से क्या कहा सुनिए और देखिए मैं अमेरिका के करीब करीब ट्वेंटी नाइन में दौरा कर चुका था उसके बाद जब मैं सीएम बना तो टेक्नोलॉजी के माध्यम से आपके साथ जुड़ने का सिलसिला जारी रहा पीएम रहते हुए मैंने आपसे अपार स्नेह पाया अपना तो पाया 2014 में चौदह में मेडिसिन पंद्रह में सौ होसे दो हजार उन्नीस में रुस्टन दो हजार तेईस में वॉशिंगटन और अब दो हजार चौबीस में दुश्टन. पिछला रिकॉर्ड तोड़ देते हैं। हमेशा से आपके सामर्थकों भारतीय डायथोरा के सामर्थ को समझता रहा जब मेरे पास कोई सरकारी पद नहीं था तब भी समझता था और आज भी समझता हूँ आप सब मेरे लिए हमेशा से भारत के सबसे मजबूत ब्रांड एम्बेसडर हैं राष्ट्रदूत कहता आपका टैलेंट आपका कमिटमेंट इसका कोई मुकाबला नहीं है तो यह है वो कहना प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का भारतीय डायस्पोरा को अमेरिकन इंडियंस को कि आपके टैलेंट ने भारत और अमेरिका को जोड़ा है एक दूसरे के साथ कनेक्ट किया है बिल्कुल ठीक कहा मोदी जी ने इसमें कोई शक वाली बात नहीं कि जितना वाइब्रेंट भारतीय डाइस्पोरा अमेरिका में है इतना शायद कोई भी डायस्पोरा अमेरिका में वाइब्रेंट नहीं और इस वाइब्रेंट डाइस्पोरा ने भारत और अमेरिका को कनेक्ट किया है क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो बहुत बड़ा टैलेंट का आ, ओशन है वो भारत से अमेरिका आया और आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में जी रहे हैं और आज हम देख रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के दस सालों की कोशिशों से जिस तरह भारत और अमेरिका के बीच स्ट्रेटजिक रिश्ते आगे बढ़ रहे हैं जिस तरह इकोनॉमिक डेवलपमेंट दोनों देशों के बीच हो रही है जिस तरह ऑप्टिक्स चल रहे हैं दोनों देशों के वो, वो बहुत आगे लेके जा रहे हैं जैसा कि इसी विज़िट के दौरान प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने क्वाड के अजलास में शिरकत की क्वाड एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्लब है जिसमें चार बड़े देश अमरीका भारत ऑस्ट्रेलिया और जापान शामिल हैं। अभी मैंने पीछे बात की थी कि भारत कैसे दूसरी सुपर पावर है देखिए इन चार बड़े देशों में से दो बड़े देश अमेरिका और भारत है ऑस्ट्रेलिया की इकॉनमी भी छोटी है देश भी छोटा है बड़ा इंपॉर्टेंट देश है इसमें कोई शक वाली बात नहीं जापान अपनी पापुलेशन अपने साइज़ के अतबार से छोटा देश है इकॉनमी बड़ी स्ट्रांग है जापान की अपना जो उनका जीडीपी का शेयर है वो बहुत बड़ा है बहुत इंपॉर्टेंट देश है मगर भारत के पास वन बिलियन लोग हैं भले से भारत की इकॉनमी इस वक्त फाइव ट्रिलियन डॉलर के करीब है चाइना की फिफ्टीन सिक्सटीन ट्रिलियन डॉलर की है मगर चाइना का जो सोशलिस्ट कम्युनिस्ट स्ट्रक्चर है वो चाइना के कल्चर को दबाए हुए है और चाइना का जो बहुत बड़ा कल्चरल हेरिटेज है, है वो भारत के मुकाबले में बहुत पीछे हमें नज़र आता है तो सिविलाइजेशन केबार से भारत दूसरी बड़ी पावर है अब सुपर पावर की मैंने बात की थी जो बहुत बड़ा कंट्रोवर्शियल सा ये सब्जेक्ट है अपरेंटली सुपर पावर साइंटिफिक बेसिस पे इकोनॉमिक बेसिस पे दूसरी बड़ी सुपर पावर चाइना बनता है और तीसरी बड़ी सुपर पावर यूरोपियन यूनियन या फिर उसके बाद रशिया और फिर भारत की बारी आती है मगर भारत चूंकि सिविलाइजेशन के एतबार से और अपनी प्रोग्रेस के अतबार से जिस रफ्तार से तरक्की कर रहा है जिस रफ्तार से भारत के ऑप्टिक्स हैं उन ऑप्टिक्स की वजह से भारत ना सिर्फ ग्लोबल साउथ की निगाहों में बल्कि वेस्टर्न वर्ल्ड की निगाहों में भी दूसरी बड़ी स्टेक होल्डर रियासत है और जब इस तरह का इमेज इस तरह के ऑप्टिक हों भारत के वेस्टर्न वर्ल्ड की निगाहों में ग्लोबल साउथ की निगाहों में तो भले से भारत ऑफिशियली दूसरी बड़ी सुपर पावर ना सही मगर अपने ऑप्टिक्स अपने इमेज और अपनी एस्पिरेशंस के अतबार से भारत दूसरी बड़ी ताकत है और फिर इसके साथ साथ भारत के लोग भले से उनके बहुत सारे चैलेंजेस हैं अभी अनएम्प्लॉयमेंट हैं अभी हाइजीन के बहुत सारे मसले हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने करोड़ों टॉयलेट वहाँ पे बनाए और उनकी वजह से बहुत मसाइल हाल भी हुए इन तमाम तर के बावजूद जनता की जो एस्परेशन हैं जनता में जो डेमोक्रेटिक जो रवैया है वो उनको जिसे स्पिरिचुअली मैं कहना चाहूँगा दूसरी बड़ी सुपर पावर बनाते हैं मैंने खुद भारत के गली कूचों में एक गरीब शख्स को मोदी जी को मोदी कहते सुना है ये भारत की डेमोक्रेसी की सुपर पावर है क्योंकि भारत दुनिया की अपने साइज़ के अतबार से दूसरी बड़ी सुपर पावर है अभी हमने 2024 में भारत के इलेक्शंस देखे कितने स्मूथ कितने फेयर इलेक्शन हुए उस इलेक्शन से हमें पता चलता है कि भारत का एक एक नागरिक चाहे वो बहुत ही मसाइल ज़्यादा हो उसके पास वसाइल भी ना हो गरीब हो मगर मैंने उसको दिल्ली की सड़कों में आ, उसको मैंने लखनऊ के बाज़ारों में एक कॉन्फिडेंस के साथ चलते देखा है और एक हम्बलनेस एक कॉन्फिडेंस साइमल्टेनियसली है ये जो एटीट्यूड है ये बहुत कम आ, दुनिया की नेशंस में आपको देखने को मिलता है भारत की इकॉनमी अपरली फाइव ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी है मगर भारत में कैश इकॉनमी अभी भी इतनी ज़्यादा है अनपैरल है और वो पैरल इकॉनमी यानी जो भारत की ऑफिशियल इकानमी की जो पैरल कैश इकॉनमी है वो एक तरह से अनपैरल है मैं ये कहता हूँ और वो भी ट्रिलियंस डॉलर की इकानमी है जो अनएकाउंटेबल है तो भारत के पास एसेट्स भी हैं सब कुछ है अभी बहुत इश्यूज़ हैं बहुत मसाइल हैं भारत के अंदर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन अपनी इंतहाओं को छूता है भारत के बहुत सारे विरोध करने वाले लोग ख़ुद भारतीय बैकग्राउंड के भारत की अपोजिशन पार्टियों से तल्लक रखने वाले लोग ये बात पूरी दुनिया में जा के कहते हैं जी कि भारत की डेमोक्रेसी ख़तरे में है तो मेरी हंसी छूट जाती है क्योंकि भारत वो देश है जहाँ पे एक आम टांगा चलाने वाला शख्स रेड़ी पे छलियाँ बेचने वाला शख्स अपने मोबाइल फ़ोन पे इंस्टाग्राम के ऊपर जाके या इवन ट्विटर के ऊपर जाके ऐसी ऐसी बातें सरकार के खिलाफ लिखता है और वो इतमान से अपनी ज़िंदगी गुजारता है ये है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का जो एक्सटेंट है वहाँ पे उसकी मैं बात कर रहा हूँ जो हाइट्स हैं तो ये सब जो बातें हैं ये चाइना के किसी शख्स को नसीब नहीं रूस के किसी शख्स को नसीब नहीं यूरोप अमेरिका और कनाडा के शहरी भी बात करते हुए इतनी खुल के बात करते हुए सौ सो बार सोचते हैं और उनको ये ख़तरा होता है कि ज़रा खुल के बात की तो पता नहीं कहाँ से हो चलता हुआ आएगा तो ये सिचुएशन भारत का एक गरीब शहरी भी जो रेड़ी पे छलियाँ बेच रहा है जो टांगा चला रहा है उसको भी इस बात का खतरा नहीं होता तो ये वो इंडेक्स हैं जो अपरनली दुनिया के आ, किसी पैरामीटर में नहीं आते मगर मेरी निगाह में भारत को सिविलाइजेशन के अतबार से डेमोक्रेसी की फ़्रीडम के अतबार से और जो इकनॉमिक एनरिचमेंट जो पैरल इकॉनमी की वजह से है उस एतबार से भारत को जितना भारत आज हमें आगे नज़र आता है उससे भी दस गुना मेरी नज़र में भारत है अब मैं आ, वो बात करता हूँ जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसी मोदी एंड अस इवेंट में कही उन्होंने कहा कि जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो भारत में आ, उनका एक जमाने में इंतज़ार किया जाता था अब वो अपॉर्चुनिटीज भारत के अंदर लैंड करती रहती हैं। उन्होंने क्या शब्द बरते में चाहूंगा आप भी सुनिए लैंड अपॉर्चुनिटीज है अवसरों की धरती है अब भारत अवसरों का इंतजार नहीं करता भारत अवसरों का निर्माण करता है बीते दस साल में भारत ने हर सेक्टर में अपॉर्चुनिटी का एक नया लॉन्चिंग पैड तैयार किया है आप देखिए सिर्फ एक दशक में ही और ये बात आप सबको गर्व देगी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा कि बीते दस वर्षों में भारत ने अपॉर्चुनिटीज का एक नया लॉन्चिंग पैड तैयार किया है बहुत बड़ी स्टेटमेंट है और ये रियलिटी भी है पूरी दुनिया देख रही है तमाम भारतीय देख रहे हैं और इसीलिए भारत की और भारतीयों की पूरी दुनिया में इज्जत की जाती है ये अलग बात है कि दुनिया के कुछ देशों में कुछ पॉलिटिकल एलिमेंट्स ऐसे हैं जो भारत को और भारतीयों को बदनाम करने के लिए अपना काम करने की कोशिश करते हैं मगर उनकी कोशिशें भी डायस्पोरा के इमेज के सामने ज़ाया हो जाती हैं बेकार हो जाती हैं क्योंकि डायस्पोरा इतना बड़ा है अमेरिका इंडिया ये स्प्रिट है और वही तो नई दुनिया का एआई पावर है यही एआई आई भारत अमेरिका रिश्तों को नई ऊंचाई दे रहा है मैं आप सभी को इंडियन डायस्पोरा को सैल्यूट करता हूं आई सेल्यूट यू ऑल प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भारतीय डायस्पोरा की बेहद तारीफ की और उस तारीफ के पीछे उन्होंने ये पॉइंट ऑफ व्यू लिया कि मैं जहाँ भी दुनिया में जाता हूँ दुनिया के लीडर भारतीयों के हवाले से कोई शिकायत नहीं करते कोई कंप्लेंट नहीं करते भारत की सिविलाइजेशन क्यों दुनिया की दूसरी बड़ी पैरेलल सिविलाइजेशन बन चुकी है भारत क्यों इट्स सेल्फ दुनिया की एक तरह से दूसरी बड़ी सुपर पावर बन चुका है रशिया और यूक्रेन के बीच जंग बंदी की कोशिशों को आगे बढ़ाने में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का सबसे बड़ा किरदार है खुद इस बात को वेस्टनर्स भी मान रहे हैं रशियन प्रेसिडेंट भी चाह रहे हैं व्लादिमिर विलंस की जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं वो भी चाह रहे हैं कि ये जंग किसी तरह से ख़त्म हो और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और उनकी टीम ये काम बहुत अच्छे ढंग से कर रहे हैं तो ये सुपर पावर होने की एक शक्ल है कि भारत इतना इन्फ्लुएंसियल है कि दुनिया की सबसे बड़ी ख़तरनाक जंग को डिफ्यूज़ करने में बहुत कोशिश कर रहा है बहुत डिप्लोमेटिक कोशिशें बिहाइंड सीन चल रही हैं और हम आ, दुआ करते हैं कि आने वाले दिनों में ये जंग रुके और भारत की जो कोशें हैं वो काम आए तो भारत यूरोपियन दुनिया के लिए भी और अमेरिकन्स के लिए भी कैनेडियंस के लिए भी ऑस्ट्रेलियंस के लिए भी जेपनीस के लिए भी ग्लोबल साउथ के देशों के लिए भी इस वक्त उम्मीद की एक बहुत बड़ी क्षमा है इसके साथ साथ हम ये भी कह सकते हैं कि जिस तरह भारत ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के दस साल दौरे हुकूमत में अरब देशों के साथ बेहद उमदा तल्लक कायम किए उसका क्रेडिट भी बीजेपी की सरकार को ज़रूर जाता है अब हम इस बात का भी जायज़ा लेंगे कि आफ्टर ऑल इस सारी सिचुएशन में भारत का हमसाया देश पाकिस्तान क्यों इतना पीछे रह गया मैं इस पर थोड़ी सी बात करूंगा ज़्यादा बात नहीं करूंगा इसलिए यह बात करना पड़ रही है कि सिविलाइजेशन तो एक ही है भाषा भी बहुत मिलती जुलती है हिंदी और उर्दू उर्दू जो कि बुनियादी तौर पर भारत की भाषा थी वो पाकिस्तान गई अब पाकिस्तान की बड़ी भाषाओं में पंजाबी है पंजाबी भारत की भाषा भी है तो क्या वजह हुई कि पाकिस्तान टूट भी गया एक ही साइकी एक ही स्टाइल रखने के बावजूद चूँकि उनके अंदर एक हेटरेट का रवैया था हेटरेट टूवर्ड्स हिंदुस्तान हेटरेट टूवर्ड्स हिंदू उस हेटरेट ने पाकिस्तानियों को और पाकिस्तान को जला के रख दिया खैर इतनी ही मैं बात करना चाहूँगा मेरा यहाँ पे एक पसंदीदा टॉपिक भी है और मैं बहुत खुश हुआ जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने न्यूयॉर्क के इस कार्यक्रम में मोदी एंड अस के इवेंट में उसको छुआ वो है नलिंदा एवॉर्ड का, का मामला यानी नलिंदा यूनिवर्सिटी का मामला नलिंदा यूनिवर्सिटी एन एंशियंट सेंटर ऑफ नॉलेज जो भारत ने इस्टेब्लिश किया था बिहार के अंदर वो यूनिवर्सिटी फिर से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने उसको रिवाइव किया है और चूंकि हम यहाँ कैनेडा में बैठे हुए नलिंदा एवॉर्ड को दो सालों से शुरू कर चुके हैं क्योंकि हमारे अंदर भी वही स्पिरिट है जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आगे लेके चल रहे हैं नलिंदा स्पिरिट का किस तरह उन्होंने जिक्र किया किस तरह उन्होंने यूनिवर्सिटी के रिवाइवल की बात की आ, मैं चाहता हूं कि इस इवेंट में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने जो शब्द बरते वो आप ही सुनिए बल्कि नालंदा स्पिरिट को भी रिवाइव कर रहा है पूरी दुनिया के स्टूडेंट्स भारत आकर पढ़े हम इस तरह का आधुनिक इकोनॉमिक सिस्टम बना रहे हैं बीते दस साल में भारत में ये भी जरा आप लोगों को याद रखने जैसी बात बताता हूं मैं बीते दस साल में भारत में एक यूनिवर्सिटी बनी है एक घंटे से ज्यादा इस स्पीच में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने बहुत इंपॉर्टेंट बातें की मैंने तो कुछ झलकियाँ आपके सामने पेश की हैं उन्होंने चिप इंडस्ट्री की बात की जो भारत में अब बहुत ही वाइब्रेंट तरीके से आगे चलना शुरू हो चुकी है और जो उन्होंने और भी मुआज़ने किए जो उन्होंने और भी कंपैरिज़न किए दुनिया के साथ भारत के साथ भारत के पिछले ज़मानों की तरक् के साथ और इस वक्त भारत जिस तरह आगे को बढ़ रहा है वो सब बातें सुनने के लायक हैं लेकिन मैं यहाँ पे आ, जो भारत को क्रिटिसाइज़ भी करते हैं ख़ुद भारतीय लोग जो भारत को आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं भारत को और ऊंचाइयों को छूते हुए देखना चाहते हैं या कुछ की इंटेंशन इल इंटेंशंस भी होती हैं वो भी आ, इसको डिस्कस करते हैं वो कहते हैं भारत में बहुत सारे इश्यूज हैं बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के इश्यूज हैं बहुत सारे सफ़ाई सुथराई के मसाइल हैं बिल्कुल उनका ये कहना दुरुस्त है मगर हमें याद रखना चाहिए कि ये एक एंशियन सोसाइटी है हज़ारों सालों से चली आने वाली सोसाइटी है यह कोई यूएई की तरह का देश नहीं जिसको ड्यूरिंग द पास 20-25 सालों में इस्टैब्लिश किया हो बिल्कुल रेगिस्तान से वो देश बने हैं तो जाहिर है वहाँ तो सफ़ाई सुथराई बहुत होगी ये कोई यूरोपियन या अमेरिकन मुल्क नहीं जो सौ डेढ़ सौ सालों में इस्टैब्लिश हुए हैं ये भारत है जो हज़ारों सालों से चला आ रहा है और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की भी अपनी कोशिश है जैसे हम देखते हैं जो भारत के नदी नाले हैं जो भारत की बहुत ही पवित्र किस्म के दरिया हैं जैसे हम गंगा की बात करें वो शहरों में से जब गुज़रते हैं तो बेानतहा गंदगी का हमें एहसास होता है उनको देख के ये वही दरिया हैं जब ये पहाड़ों से चलते हैं तो साफ़ सुथरे और ख़ूबसूरत होते हैं मगर बदकस्मती से एंड मिलियंस, मिलियंस के लोगों के शहरों में जब ये गुजरते हैं तो तब इनका रंग बहुत ही गंदला हो जाता है लेकिन ये वो चैलेंजेस हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के जो अब भारत ख़ास तौर पर दस सालों से जिस तरह भारत में हाईवेज़ और स्काई राइज बिल्डिंग्स बन रही हैं वो सब के सब जो इश्यूज़ हैं वो हम पैरेलल देख रहे हैं लेकिन भारत एक यूनिक सिविलाइजेशन भी है हमने देखा कि चाइना भी एक सिविलाइजेशन एक एनशियट सिविलाइजेशन होने के नाते अपने आप को रिन्यू करने में बहुत कामयाब हुआ उन्होंने अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर को भारत से इवन वेस्टर्न वर्ल्ड के देशों से भी बहुत बेहतर डेवलप किया हम उनको खराज तहसीन पेश करते हैं मगर भारत के यहाँ इस तरह की डेवलपमेंट तेज़ी से रिसेंटली शुरू हुई और अब जब मैं कभी भारत जाता हूँ तो मुझे भारत में उस डेवलपमेंट्स के फ्रूट्स नज़र आते हैं मगर जो पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर या पुराने गलियाँ महल जो बसे हुए हैं और बाज़ारों में बिजली के तारों के जो जाल हैं वो शायद आ, मैं नहीं समझता वो ठीक हो सकते हैं वो एक हिस्ट्री के तौर पर रहेंगे लेकिन जो नया भारत बन रहा है वो बहुत आगे का है फिर भारत ना सिर्फ़ अपनी सिविलाइजेशन के अतबार से ना सिर्फ अपनी इकॉनमी के अतबार से आगे बढ़ रहा है बल्कि नए भारत में बहुत सारे और मामला भी हम देख रहे हैं जो भारत को बहुत आगे लेके जा रहे हैं उस नए भारत में पुराने भारत का एक रंग है कि रंगों का भारत स्पाइसेस का भारत मौसमों का भारत इसीलिए मुझे भारत के बॉलीवुड के कुछ गाने बहुत दिल को भाते हैं वो भारत की रियलिटी को पेश करते हैं जैसे एक गीत है, है रंगीला देश मेरा उसमें बहुत आ, उसको आ, हमें दिखाया गया है कि ये रंगीला देश जो है इसमें कितने रंग हैं फिर एक और गीत जो हम सब सुनते हैं चक दे इंडिया वो भी अपनी तरह का पंजाबी वलवले के साथ एक गीत है मैं यहाँ पे एक गीत के कुछ बोल आपके साथ जरूर शेयर करूँगा मैं ये गीत चला नहीं सकता चूँकि कॉपीराइट का मसला है ये गीत बहुत मशहूर है सन 2000 की फिल्म आ, हम हैं हिंदुस्तानी का गीत है शाहरुख ख़ान पे पिक्चराइज हुआ और इसके जो आ, लिरिक्स हैं वो लिखे हैं जवेद अख्तर साहब ने जवेद अख्तर साहब को मैं अक्सर क्रिटिसाइज़ भी करता रहता हूँ उनकी बहुत सारी बातों पे और वो मैं शायद करता रहूँगा विद ड्यू रिस्पेक्ट लेकिन जवेद अख्तर साहब का ये गीत बड़े मज़े का है ये भारत की साइकी को दिखाता है इस गीत को कंपोज किया है जेतन ललित ने और उदित नारायण जी ने गाया है हम लोगों को समझ सको तो समझो दिल भर जानी जितना भी तुम समझोगे उतनी होगी हैरानी थोड़े अनाड़ी हैं थोड़े खिलाड़ी हैं रुक रुक के चलती है अपनी गाड़ी जब 2000 में ये गीत जवेद अख्तर ने लिखा था तब वाकई भारत की रुक रुक के गाड़ी चल रही थी मगर चलती रहती थी अब ये गाड़ी तेज़ रफ्तार हो चुकी है और इसीलिए जब उन्होंने तब कहा था कि अपनी छतरी तुम को दे देंगे कभी जो बरसे पानी कभी नए पैकेट में बेचेंगे तुमको चीज़ पुरानी उल्टी सीधी जैसी भी है अपनी यही कहानी थोड़ी हम में होशियारी है थोड़ी है नादानी थोड़ी हम में सच्चाई है थोड़ी है बेईमानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी ये दिल की बात की थी जवेद अख्तर साहब ने इस गाने को लिखने पे मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ उन पे जो मैं तनकीद करता रहता हूँ वो अपनी जगह पे जहाँ उनको मुबारकबाद देना बनती है मुबारकबाद में उनको देता हूँ ये वाकई ही भारत की शायकी का मामला है जो तरक्की करता हुआ भारत है जिसकी बात प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी करते हैं और जो जनता है 1.4 बिलियन की उनकी सैकी में ये सब बातें मिली हुई हैं और सच्ची बात ये है कि पाकिस्तान के 250 मिलियन लोग हों बांग्लादेश के 200 मिलियन लोग हों श्रीलंका भूटान नेपाल और इवन अफ़ग़ानिस्तान मालदीव के लोग हों ये सब मिल मिला के दो बिलियन से ज़्यादा लोग बनते हैं और इन दो बिलियन लोगों की साइकी यही है जो जवेद अख्तर साहब ने सन 2000 में लिखी थी और उन्होंने यहाँ तक कहा था थोड़ी मजबूरी है लेकिन थोड़ी है मनमानी थोड़ी तो तू, -तू मै है और थोड़ी सी शैतानी हम में काफ़ी बातें हैं जो लगती हैं दीवानी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी subscribe tag tv youtube channel and press the notification button